नहीं सकता। इसमें आप बताइए कि ये कर दिया CSS के माध्यम से, और जो इंश्योरेंस स्कीम्स है हेल्थ की वो तो मैंने बता दिया आपको। अब तो हमने एक प्रकार से आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसको जो पूरे प्रदेशवासियों में लागू कर दी है, और 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन करना। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ यहाँ उसके अंदर, और 1 मई मजदूर दिवस से इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। अब तो करीब 90% हो गया काम का, 90% हम देंगे और 8-10% मुश्किल से देगी भारत सरकार, पर हमने तय कर लिया है रात में कोई भी वर्ग हो सबको पूरी तरह बीमा 5 लाख का मिलना चाहिए, ये हमने तय कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रूप में कृषि बीमा है, उस पर भी रवि, खरीफ और सिंचाई अलग अलग प्रीमियम तय कर दिए भारत सरकार ने, कैप लगा देती भारत सरकार, इससे ज़्यादा प्रीमियम तो आप दो, ये कहाँ का सिस्टम है, कर दिया उन्होंने। हेल्थ में वैसे ही है, आयुष्मान भारत में वैसे ही है, कैप लग गई वहाँ पे, कैप लग गई। पेट्रोल डीजल मैंने बता दिया लास्ट टाइम आपको कि पेट्रोल डीजल के अंदर जो रेवेन्यू है, कल्पना के बाहर की बात है कि अगर आपने 32 से 42 कर दिया फाइनेंस कमीशन ने, तो वापस सरकारों के ऐसी बना दी राज्यों के अंदर कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। और जो मैंने कहा आपको पिछली बार कि पेट्रोल डीजल के अंदर भी जो एक्साइज मिलती है जिसका डिवीजन होता है पूरे राज्यों में, वो तो कर दिया 5-10%, और जिसमें पूरा डिवीजन नहीं मिलता राज्यों को वो हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं एडिशनल, और इस पर एक्साइज ड्यूटी के बारे में मेरे पास चार्ट टाइम वेस्ट होगा, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बता चुका हूँ आपको। और तो GST जो हमारा हक है, लिखित में समझौता है, उसमें आपको सदन को जानकर दुख भी होगा कि 5,000 करोड़ तो कह दिया है कि एक्ट ऑफ गॉड है, कोविड कोरोना के लिए हाथ में था नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अब वो पता नहीं एक्ट ऑफ गॉड कहे उसको या प्राकृतिक प्रकोप कहे, अलग बात है, पर उन्होंने कहा एक्ट ऑफ गॉड है फाइनेंस मिनिस्टर ने केंद्र में, तो 5,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, और बाकी 5,000 और है वो आप लोन लो, आपको हम छूट देंगे। क्योंकि आपको मालूम है, सब हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, कि लोन लेने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए वो हमें दी परमिशन कि आप 4,500-5,000 रुपये लोन ले सकते हो। इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय, कि एक बात अच्छी लगी मुझे कि रेवेन्यू जो आ रही है ये हमारे देश के, मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हो या व्यापारी हो या आम लोग जो भी है टैक्स पेयर, ये कहना पड़ेगा कि रेवेन्यू जो आ रही है वो लगभग जो 2019-20 में थी वही रेवेन्यू भारत सरकार को मिली है इस बार, तो ये समझ के परे हैं 12,43,000 करोड़ रुपये। तो ये समझ के परे हैं कि जब रेवेन्यू आ रही है तो फिर आप हिस्सा क्यों कम कर रहे हो राज्यों में, 17% राजस्थान को हिस्सा कम कर रहे हैं, बोलो ये स्थिति कर दी। और तो और ये लगातार कर रहे, 19-20 में 10,000 करोड़ कम दिए हमें, पता नहीं नेता प्रतिपक्ष महोदय आप कैसे बोलते रहते हो कि पिछली बार आपने एक बार कह दिया, वो मैं भी हूँ उस पार्टी पाऊँगा बाद में, कि पिछली बार 10,000 करोड़ कम किए 19-20 में, 20-21 में 14,000 करोड़ कम किए, और अभी 21-22 के अंदर बी के अंदर पहले ही कह दिया गया है आपको 12,000 करोड़ कम मिलेंगे जो बजट पेश हुआ केंद्र में। बताइए आप, चारों ओर से CSS फॉर्मूला बदल दिया, इंश्योरेंस में कैप लगा दी, डिविजनल फूड पूल जो है पेट्रोल डीजल का उसमें पैसा मिलता नहीं है, GST बंद कर दी, पता नहीं, और रेवेन्यू की पूरी आ रही है तब भी पता नहीं क्यों ये इतक से परे है कि 10,000, 14,000, 12,000 किसे कहते हैं, 36,000 करोड़ ही हो गए, 36,000 करोड़ हो गया। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो हालात बने हैं मैं थोड़ा चिंतित हूँ कि डिवोल्यूशन अगर इस प्रकार से
कम होगा राज्यों को, तो आप बताइए कि फिर कैसे हम लोग सोचना कि किस प्रकार से सब मिलकर के केंद्र राज्य है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते प्रधानमंत्री जी की, तो क्या कलाम उनका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छी बात है, होना चाहिए, खाली वो बोलते हैं पर व्यवहार में नहीं आ रहा है। जो हालात हो रहे देश के अंदर बहुत चिंता वाली बात है। बार बार मैं कहता हूँ टेलीफोन पर बात करते लोग चमकते हैं, व्हाट्सएप पर बात करो भाई, फेस टाइम बात करो, कहीं टेलीफोन टैप नहीं हो जाए। टैप तो हो ही गया कल, कल आप सबके फोन टैप हो चुके थे। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष महोदय को मैं कहना चाहूँगा, आज भी आपने के उदाहरण दिए थे, पता नहीं आप भविष्य वक्ता है भविष्यवाणी करते हो कैसे करते हैं। आपने कहा 50,000 करोड़ राजस्व घाटा की पहुँचने की भविष्यवाणी आपने कर दी पिछली बार 2021 के बजट के अंदर। आपने कहा जब हम आर आई में जाएंगे, जैसे आज आपने कहा था आर ई में जाएंगे रिवाइज बजट में जाएंगे तो हमें केंद्रीय करों की हिस्सा राशि के रूप में 51,131 करोड़ प्राप्त होंगे। ये आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था, जब आप रिवाइज बजट में जाएंगे तो आपको 51,131 करोड़ प्राप्त होंगे, आपने कहा 2021 के बजट के अंदर। मालूम आपको क्या हुआ, हमें मिले सिर्फ 32,000 करोड़ मिले। पता नहीं आपका सपना था, अच्छी भावना थी, अब भविष्यवाणी थी, आप कोई ब्रीफ लिया होगा आपने केंद्र से, पता नहीं किस रूप में आप बोल गया, उसके अंदर 51,131 करोड़ मिलेंगे आपको आज ही के अंदर, पता नहीं क्या हुआ। और अब आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, तो आप क्यों पहले घोषणा करते हो, आने दो टाइम, हमने इतनी घोषणा ही करी है, जवाब हमें देना पब्लिक को कि आपने पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें कॉलेज वॉलेज पीएससी सीएससी ट्रोमा सेंटर सब कुछ कर दिया और क्यों नहीं खुल रहा, ये तो हमें जवाब देना है, आपको जवाब देना है क्या, आप क्यों चिंता कर रहे हो बताओ, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप चिंता कर रहे हो आप इधर आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, चिंता करने वालों को इधर आ जाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष बोलते रहते हैं वो बाद में क्लियर कर दूँ आपको कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल बकवास रहता है।